गैस इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत भूखी है, ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान में है, ऐसा लगता है कि वो कामचोर है, ऐसा लगता है कि आपको क्रिकेट में रुचि नहीं है। सो गैस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इट सीम्स दैट, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि पायल बहुत घमंडी है, इट सीम्स दैट पायल इज वेरी अरोगेंट, इट सीम्स दैट पायल इज वेरी अरोगेंट। ऐसा लगता है कि वो बहुत भूखी है, इट सीम्स दैट सी इज वेरी हंग्री, इट सीम्स दैट सी इज वेरी हंग्री। ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान में है, इट सीम्स दैट ही इज वेरी अपसेट, इट सीम्स दैट ही इज वेरी अपसेट। ऐसा लगता है कि आपको क्रिकेट में रुचि नहीं है। देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव में है, सो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। ऐसा लगता है कि वो बहुत कामचोर है, इट सीम्स दैट ही इज अ सकर, इट सीम्स दैट ही इज अ सकर।